वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के फिजिक्स को पढ़ेंगे, जिसमें आज का टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप सबके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इससे पहले जो भी टॉपिक है वो सब पढ़ाई हो चुकी है, सबका वीडियो अपलोड है, जो नहीं देखे होंगे वीडियो को जरूर देखेंगे। तो हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले हम लोग प्रकाश के परावर्तन को भी पढ़े हैं, उसके नियम को भी पढ़ेंगे। अब बारी है प्रकाश के अपवर्तन का। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसमें होने वाले दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी जब लाइट जो है एक माध्यम से गुजरेगी, जैसे ही दूसरे माध्यम में जाएगा उसके दिशा में बदलाव हो जाएगा, इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग नीचे एक डायग्राम बना हुआ है, इसकी सहायता से हम लोग बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। आप देखिएगा ये जो एरो लगा हुआ है उसके ऊपर का जो माध्यम है यानी कि मीडियम जो है वो आपका हवा है यानी एयर है। यहां से ए से कोई लाइट इसमें गया और नीचे जो एरो लगा हुआ है ये जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये आपका पानी है। तो यहाँ पे जो मीडियम है यानी कि माध्यम जो है वो अलग अलग है, ऊपर में हवा नीचे में आपका पानी है। तो हवा से लाइट को पानी में जैसे ही गुजारा गया तो पानी की सतह के ऊपर देखिएगा तो ये बिल्कुल सीधा आ रहा था। इसके अगर सीधा जाता तो आपका ये जो लाइनिंग है ये जो प्रकाश होता वो इस टाइप से आता, लेकिन ये सीधा ना जाके इसके दिशा में बदलाव हो गया और ये जहां से यहाँ पे मुड़ा है उसके ऊपर एक लंब डालते हैं जिसको हम लोग अभिलंब कहते हैं, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो ध्यान देंगे तो इसी दिशा के परिवर्तन को ही हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब हम लोग देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम को। जिस तरह से प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं ठीक उसी तरह से प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। पहला नियम, नाम ही है इसका पहला नियम आपका इस तरह से है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होता है। यानी कि आपतित किरण ये जो आपका अपवर्तित किरण है और आपतन बिंदु यहाँ पे है उस पर डाला गया जो अभिलंब है सब एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम इस तरह से है, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का जया मिस साइन होता है अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है। यह आपका आपतन कोण है, यह आपका परावर्तन कोण है। आपतन कोण को हम लोग आई कहेंगे, परावर्तन कोण को हम लोग आर कहेंगे। तो ये दोनों जो आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण है वो किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नियतांक यानी के कांस्टेंट होता है। इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग म्यू कहते हैं, जिसको अपवर्तनांक में भी सूचित किया जाता है। तो म्यू बराबर यानी के साइन आई बटा साइन आर। यानी यहाँ पे जो है आप प्रकाश के परावर्तन के नियम को पढ़े होंगे, दूसरे नियम को, उसमें होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम में आपतन कोण अपरावर्तन कोण आपस में बराबर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जहां म्यू एक नियतांक है यानी के कांस्टेंट है और प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। स्नेल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को दिया था, इसीलिए प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। फिर हम लोग आगे के टॉपिक को देखते हैं। अब हम लोग भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल को जानेंगे। तो हवा में यानी कि एयर में प्रकाश की जो चाल होती है वह 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी एक सेकंड में प्रकाश जो है वो आपका 30 करोड़ मीटर की दूरी तय करेगी। अगर इसको आप कन्वर्ट कीजिएगा किलोमीटर में तो आपका एक सेकंड में जो है 30 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी प्रकाश हवा में। अब देखते हैं हम लोग
पानी में प्रकाश की जो चाल होती है वह 2 × 10⁵ × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और कांच की बात कीजिएगा, इसमें जो प्रकाश की चाल होती है वह 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी कि तीनों माध्यमों में प्रकाश की चाल यहाँ पे स्पष्ट है, एग्जामों में कई बार पूछा गया है यह क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं दो माध्यम के बारे में जानते हैं, जिसको हम कहेंगे एक को विरल माध्यम और दूसरे को कहेंगे सघन माध्यम। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं विरल माध्यम के बारे में। रेरर मीडियम, वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस माध्यम में प्रकाश का जो स्पीड होगा वो अधिक होगा वो आपका विरल माध्यम कहलाएगा। दूसरा है आपका सघन माध्यम, वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग कम होता है उसे हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। यानी कि जिस मीडियम में प्रकाश के जो स्पीड होगा वो कम होगा उसे हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। इसको समझने के लिए आप इस तरह से समझ सकते हैं विरल माध्यम और सघन माध्यम। विरल हम लोग वीरान से समझ सकते हैं, वीरान उस जगह का ही जाती है जहां कोई घर नहीं होता है, पूरा मैदान मैदान ही मैदान होता है। सघन यानी के घना, घना कहाँ होता है, जहाँ आबादी होती है। आप देखिएगा कभी शाम के टाइम में आपका जो अंधेरा क्षेत्र बन जाएगा, जहाँ ऊंची ऊंची इमारत होगी वहां कुछ टाइम से पहले ही अंधेरा हो जाता है, लेकिन मैदान में जब देखिएगा तो सूरज के डूबने के बाद तक, छिपने के बाद तक जो है आपको वहां पे रोशनी दिखाई पड़ेगी। तो वीरान में प्रकाश का वेग अधिक होगा, यानी कि विरल माध्यम में प्रकाश का वेग यानी कि स्पीड अधिक होगा, और सघन माध्यम में प्रकाश का जो स्पीड होगा वो कम होगा। अब हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव को देखते हैं, इफेक्ट्स ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि इफेक्ट जो है कहाँ कहाँ उसका प्रभाव देखने को मिलता है। वैसे तो प्रभाव बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ प्रभाव को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का जो प्रभाव होता है वो भ्रम को दिखाता है, यानी कि हम लोगों को के अंदर भ्रम ला देता है, भ्रमित कर देता है, वास्तव में वैसा होता नहीं है। जैसे पानी में डूबी पेंसिल या छड़ी का छोटा एवं मुड़ा हुआ दिखाई देना। तो पानी में अगर हम छड़ी को रखेंगे तो वो आपको छोटा भी दिखाई पड़ेगा, टेढ़ा भी मतलब मुड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा, ये सब जो है वो हमें सिर्फ दिखाई देगा, वास्तव में ऐसा होता नहीं है। दूसरा देखिएगा, मछुआरों को मछली पकड़ने में कठिनाई का होना, यानी कि जहाँ पे मछली होती है वहाँ पे ऊपर से देखने पे वहाँ पे मछली दिखाई ना पड़ के कुछ ऊपर दिखाई पड़ जाती है, तो मछुआरे को मछली पकड़ने में कठिनाई आ जाती है। उसके बाद है तारों का टिमटिमाना, हमें लगता है ऐसा कि तारा जो है वो लुक झुप यानी कि टिमटिमाता रहता है, लेकिन वास्तव में वैसा होता नहीं है, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो ये था प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव के बारे में। तो उम्मीद करते हैं आप सबको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जो भी एजुकेशनल वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास के अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।